saying without speaking. Saying without speaking माने हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि बिना बोले बिना कुछ कहे हम डम शेराज जैसे खेलते हैं बच्चों, मतलब मैंने क्या बोला, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैंने यहाँ हाथ रखा और ऐसे किया, मतलब आई रिमेंबर यू कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, कि भले हम फिज़िकली नहीं मिले हैं, एक दूसरे को देखा नहीं है, बट फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये बात आपको मेरी समझ में आए, तो वैसे ही सेइंग विदाउट स्पीकिंग हमने देखा, जहाँ हम सिर्फ एक्शन से बात कर रहे हैं बच्चों, हमने वर्ड्स नहीं यूज़ की है। तो विच गेम्स हम देखेंगे यहाँ पे, विच गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, तो आपके वर्ड्स में आपको लिखना है कि मैम मैं चेन साखली क्या खेलता हूँ, कौन सा गेम खेलते हैं हम लोग, हाइड एंड सीक खेलते हैं, ये सब गेम्स हम खेलते हैं। हैव यू एवर ट्राइड और प्लेड अ गेम ऑफ एक्टिंग विदाउट स्पीकिंग, एक्टिंग की है ऐसा बोला है, तो हाँ हमने ऐसे गेम्स खेले। अब मम्मी को रोज़ बोलते कि मुझे भूख लगी है खाना दो, है ना, जब हमारे में प्राण ही नहीं होते बोलने के। फिर थर्ड है, हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग अबाउट एक्शंस होम, स्टूडेंट्स विल आंसर ऑन देयर ओन वर्ड्स, तो देखिए, हैव यू एवर टॉक टू एनी वन थ्रू एक्शंस, व्हेन, कब आपने बात की है किससे एक्शंस में, कि जैसे अभी मैंने बोला मम्मी को आपने बोला होगा कि खाना दो, है ना, जैसे डैडी आने वाले हो हम सबको बोलते भाई बहन को छुप जाओ डैडी आए। When do people need to talk using sign and actions? तो people who cannot speak, तो दुख है, दुख वाली बात है बच्चों कि कुछ बच्चे बात नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्शन करते, साइंस करते हैं। हम भी छोटे थे हम भी साइंस करते थे, अभी हम बोल पा रहे हैं। How do those who cannot hear or speak or talk? तो ए थ्रू साइंस, वो लोग साइंस बताते। मेरी भी छोटी सी गुड़िया है, वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल सकती, तो फ्रिज से उसको अगर चॉकलेट वगैरह पानी चाहिए तो वो ऐसे करती, हालांकि मैं देती नहीं हूँ उसको, बट वो पिन पॉइंट ज़रूर करेगी। फिर उनको मोबाइल देखना है, कार्टून देखना है, तो वो ऐसे उंगली देखेगी, तो वो सब नहीं उनको देना है, नहीं तो वो आंखें भी उनकी ख़राब हो सकती। स्ट्रिक्टली आपको अगर बच्चा रोए तो भी चलेगा, बट आपको उनको मोबाइल नहीं दे रहे। बट अभी क्या है कि आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे, इसलिए मोबाइल का सहारा हमको लेना पड़ता है बच्चों, अदरवाइज मोबाइल इज़ नॉट गुड, है ना। हाउ डू दोज हु कैन नॉट हियर और स्पीक अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग, तो डी ऑल दीज, तो फेशियल एक्सप्रेशंस, आज आप अच्छा लग रहे हो, फिर लिप मूवमेंट, आज बहुत सब्जी अच्छी बनी है, फिर आंखों के एक्सप्रेशन से, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नींद आ रही है ना, तो ऐसे बोलेंगे तो उनको ज़रूर से ज़रूर पता चल जाएगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर सेल्व्स इन द गेम ऑफ डम शेराज, तो कैसे खेलते, एक्सप्रेस आवरसेल्व्स थ्रू द फेस एंड बॉडी एक्सप्रेशंस एक्शंस, तो पीपल हु कैन नॉट हियर कैन अदर्स स्पेशल एबिलिटी, यस कैन हैव स्पेशल अदर एबिलिटी, इसलिए उनको स्पेशल चिल्ड्रन बोला गया है, क्योंकि अगर वो बात नहीं कर रहे तो दूसरी बातें उनमें भगवान जी ने कूट कूट के भरी होगी। Saying without speaking, तो 7th chapter बच्चों हमारा EVS का चल रहा है, 3rd standard, which especially do you possess, children students will answer on their own, तो
कौन सी स्पेशलिटी आप में है? तो मैम मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, मैम मैं राइटिंग कर लेता हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ, तो वैसे ही बच्चों ये एबिलिटी होती है। फिर है 11th वाला हमारा, पीपल हु cannot dash express themselves through action C, speak. People who cannot hear can also not speak properly, right? All the people in the world can hear and speak wrong. सभी ऐसे नहीं होते, कुछ लोग डिसचैलेंज्ड होते हैं, कुछ लोग डिसेबल होते हैं बच्चों. Those who cannot hear and speak cannot go to school. रॉन्ग, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है. रीड द पोएम गिवन ऑन पेज नंबर 47 इन योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन इट. चकू कैन नॉट हियर बट विच टास्क डज शी परफॉर्म वेल? सी, प्लेइंग द पियानो. हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था. विच डिफिकल्टीज डज द स्मॉल गर्ल चकू फेस इन द स्कूल? थिंक एंड राइट. चकू इज अ डेफ by birth, so she cannot hear in the school. She cannot understand what teachers explain in the class. Also, she might be facing problem while communicating with other friends. Her teachers and children might not understand what she says. तो इनको चक्कू को पता ही नहीं क्या बोलना है, वो भी समझ नहीं पा रहे टीचर को, टीचर भी उनको समझने नहीं पा रहे, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है. सो हाउ डज चकू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स? तो वो कैसे करते? बी, बाय प्लेइंग पियानो. तो अगर आपके पास कुछ अच्छा है, आप खेल सकते हो, बजा सकते हो, तो आप डेफिनेटली करो, आपको अच्छा लगेगा. हाउ डज नंदू हेल्प हर सिस्टर हु कैन नॉट हियर? थिंक एंड राइट. नंदू एंड चकू गो टुगेदर इन द सेम स्कूल. So Nandu must be helping her in school by explaining her things that she cannot understand at school. तो Nandu क्या करती है? वो उसकी बहन है, तो वो उसको help करती है, कैसे करना है, क्या करना है, right? तो our face is like a mirror which reflects our feelings. कुछ लोग ऐसे डरावने लगते हैं, राइट? तो वो लोग बहुत भयंकर होते हैं. कुछ लोग एकदम क्यूट होते, बबली होते, तो उनके एक्सप्रेशंस वैसे होते हैं. तो फेस पर से पता चल जाता है कौन कितना पानी में है बच्चों. तो देखिए हम पहुंच गए हैं अभी पेज नंबर 44 हो गया, 45 हो गया हमारा. अब हम आए हैं पेज नंबर फेशियल एक्सप्रेशंस करते हुए. तो फेशियल एक्सप्रेशंस हम नेक्स्ट इस पे लेते हैं. अभी हमने 46 पेज करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.